राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ रविवार रात तीन देशों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वो सबसे पहले आइसलैंड जाएंगे और उसके बाद स्विट्जरलैंड और अंत में उन्हें स्लोवेनिया पहुंचना है। राष्ट्रपति कोविंद अपनी 9 दिवसीय यात्रा के दौरान तीनों देशों के साथ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर भारत का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा इन देशों के साथ व्यापार समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बात करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद का पहला पड़ाव आइसलैंड है, जहां वो 11 सितंबर तक रहेंगे। इस दौरान वो आइसलैंड के राष्ट्रपति गुडनी जॉनसन और प्रधानमंत्री कैटरीन जाकोस डोटर से मुलाकात करेंगे। इसके बाद उनका अगला पड़ाव स्विट्जरलैंड होगा। राष्ट्रपति कोविंद की स्विट्जरलैंड यात्रा तब हो रही है जब जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार का सत्र शुरू होने जा रहा है। कोविंद की यात्रा से पहले स्विट्जरलैंड के स्विस फेडरल डिपार्टमेंट की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति कोविंद स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति उएली मॉरर के बीच कश्मीर के हालातों समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अपनी यात्रा के आखिरी चरण में 15 सितंबर को राष्ट्रपति कोविंद स्लोवेनिया पहुंचेंगे, जहां वो राष्ट्रपति बोरुत पाहोर और प्रधानमंत्री मार्टिन सारिक के साथ बात करेंगे। कोविंद व्यापार फोरम एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान भारतीय समुदाय उनके लिए एक स्वागत कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। राष्ट्रपति की इन तीन देशों की यात्रा के दौरान खासकर जलवायु पर कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर और समझौते होंगे। इसके बाद 17 सितंबर को राष्ट्रपति स्वदेश लौट आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।